दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अब तक राइस का अप्पे खाए होंगे, सूजी का अप्पे खाए होंगे, लेकिन क्या आपने स्प्राउटेड मूंग का अप्पे खाए है क्या? आज हम यही रेसिपी देखेंगे कि स्प्राउटेड मूंग के अप्पे कैसे बनाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग को 8 घंटा पानी में भिगो के रखा था। 8 घंटा होने के बाद मूंग को एक चानी में डाल के सारा पानी अलग कर लिया है। अभी मूंग को स्प्राउट आने के लिए ढककर 10-12 घंटा के लिए रख लीजिए। दस बारह घंटे के बाद स्प्राउटेड मूंग तैयार हो जाता है। अभी स्प्राउटेड मूंग को एक मिक्सर जार में डाल के उसमें 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच जीरा, 2-3 चम्मच पानी डाल के दरदरा पीस लीजिए। दरदरा पीसने के बाद एक बाउल में निकाल दीजिए। अभी उसमें 1 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच सूजी और 1 चम्मच शक्कर डाल के अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख लीजिए। इसमें अभी मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर और स्प्रिंग ओनियन डाला है और बारीक कटा हुआ धनिया डाल के अच्छी तरह मिला लीजिए। अप्पे को स्पॉन्जी बनाने के लिए बैटर में 1 चम्मच हीनो डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अभी मैंने एक नॉनस्टिक अप्पे का तवा को गरम करने के लिए रखा है। गरम होने के बाद उसको थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल के सभी में डाल देंगे। अभी गैस को लो मीडियम आंच में करके ढक्कन लगा के 2-3 मिनट सेक लीजिए। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटा के सभी अप्पे को पलट लीजिए। पलट के और 2-3 मिनट सेक लीजिए। दो तीन मिनट के बाद रेडी हुआ अप्पे को एक प्लेट में निकाल दीजिए। गर्मा गर्म अप्पे को चाय, मेयोनीज, सॉस और कौन सा भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में भी टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरे भी बनता है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे रहते हैं। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बना है, इसमें सभी सब्जी रहते हैं, इसके लिए एकदम टेस्टी भी बनता है। ये रेसिपी आपको कैसे लगा मुझे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आपको पहले मिले। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।